जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, बिल्कुल रियल, लीगल और कोई भी इस तरह का कोई अनवांछनीय चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, जो रियल है हम उसी पर बात करेंगे। और ये जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है, पहली बात। दूसरी बात है, मैंने कई सारे जातकों को ये बात बताई है, उन्होंने उसको किया है, ये प्रयोग किया है और उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा और बहुत इफ़ेक्टिव फ़ायदा हुआ है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। मतलब जो मांगोगे, जो विश होगी आपकी, जो आपके लिए एक सकारात्मक चीज़ें होगी, जो चीज़ें पॉजिटिव होगी ईश्वर से, आपको वो मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, बिल्कुल आपको बेसिक स्ट्रक्चर से लेके पूरा जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें ताकि आपको हमेशा ऐसे ही सकारात्मक पॉजिटिव वीडियो मिलते रहें, जो जीवन में हमेशा आपको सकारात्मक रखते रहें। दूसरी बात है कि वीडियो आपको जैसा भी लगे, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जैसा भी लगे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हमें वीडियो कैसा लगा। तीसरी बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर, अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट की फ़ीस है दोस्तों, पे करके आप बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि बात है क्या। दरअसल सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए हमारी विश हो या हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर चीज़ें ऐसी कर दें, कई बार चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो पहली और मुख्य बात है कि आप अपना गुरु मंत्र ले ले कोई सा भी। चलो कोई नहीं है आपके पास, मैं ओम नमः शिवाय आपको कह देता हूँ। ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र माने, बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु माने, क्योंकि शिव जगत गुरु हैं, शिव महादेव हैं और वो जगत के पालनहार हैं। या नमः शिवाय ले लें, या शिवाय ले लें, ओम नमः शिवाय ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें, गायत्री मंत्र ले लें, जो भी आपकी इच्छा वो मंत्र आप ले लें। और जो आपकी विश है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, अब इसमें एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूं मैं कि कुछ भी अवांछनीय मांगना पूरा नहीं होगा। कि आप कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक सत्ता के खिलाफ हो, जो नेगेटिविटी पर आधारित हो, वो चीज़ें नहीं होगी। जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, हम उसी के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने उस मंत्र का एक टारगेट ले लें कि भाई मैं 5 लाख बार, 6 लाख बार, 11 लाख बार, 20 लाख बार, या आपकी जितनी श्रद्धा हो, मतलब मैं तो एक सिर्फ टारगेट बता रहा हूँ, आप 21,000 बार, 25,000 बार, 51,000 बार जाप के हैं ईश्वर। और एक और मैं बात करूँ कि ये दूसरों के लिए अगर आप करेंगे ना, जैसे अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए अगर आप करेंगे, क्योंकि खुद के लिए मांगना तो बहुत आसान है पर दूसरों के लिए मांगना बहुत ही बड़ी बात है, करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। कि आप उतना टारगेट रख लें कि मैं, हे ईश्वर आप ये मेरा कार्य संपन्न कर दें, हे ईश्वर ये चीज़ें पॉजिटिव कर दें, और उससे आधारित एक मंत्र जप का आप टारगेट रख लें कि 20,000, 21,000, 1 लाख। कोशिश करें कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये 51,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, और उन मंत्रों का जप करना आज अभी से शुरू कर दें। मंत्रों का जो जप है वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप सोते उठते बैठते उसको मन होठ पर ना आए, मन के अंदर उसका जप चलने दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कंटिन्यू चलने दे, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। और जो विचार मन में इधर उधर के आते हैं ना, उन सबको बंद करके तुरंत वापस ओम नमः शिवाय पाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या मोबाइल में डाउनलोड करके बार बार सुनना शुरू करें। दोस्तों आप करें, आप मनोकामना से पहले करना है, आप जरूर सफल होंगे।